अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कतर पुलिस के कितने डिपार्टमेंट्स हैं और वो किस तरह काम करते हैं। फॉरनर्स जो है कतर में, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, सूडानी, उन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं उनको, उनमें फॉरनर्स को गवर्नमेंट्स की जॉब भी दी जाती है। अभी नेशनल पुलिस come under the Ministry of Interior, which have many federal department, including like first National Central Bureau of Interpol, second Criminal Intelligence Department, third Investigation and Inquest Department, Drug Abuse Control Department, fourth one, five Civil Defense Department, six Human Resources Department, seven Medical Department, and eight एंड द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये कतर पुलिस के अंदर आते हैं, MOI के अंदर आते हैं। ये आठ डिपार्टमेंट हैं कतर पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आते हैं। और जो इनमें अप्लाई करने का तरीका है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि 5.7 फीट हाइट होनी चाहिए, एज जो है 18 से लेकर 28 तक, और 18 से लेकर 35 तक। जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, जो एक चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, एक्स आर्मी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए एज की जो लिमिट है वो 22 से लेकर 35 ईयर ओल्ड तक है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डिंग होनी चाहिए, फिर बॉडी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स जो 12 पास होना चाहिए आप लोगों को, जेन्युइन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अगर आप वो जो पुलिस से रिटायर हैं या आर्मी से रिटायर हैं, अगर उनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आर्मी से रिटायरमेंट का तो वो भी होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट में वो तीन चार चीज़ें देख लेते हैं, मतलब कि फिजिकल टेस्ट में रनिंग, पुशअप, सिटअप्स लगवाते हैं, और इंटरव्यू में मेन जो है इंटरव्यू में वो रिटन इफ रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफिसर, वो उसमें रिटन इंटरव्यू में भी कर सकते हैं कि उसमें सिलेक्शन जो ऑफिसर है वो कुछ चीज़ें लिखवा भी सकता है या चीज़ें ऐड कर सकता है। नॉर्मली तो इंटरव्यू यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सम इस्लामिक क्वेश्चन, विच रिलीजियस यू आर फॉलोइंग, एंड अगर पाकिस्तान से हैं तो वो पूछ लेते हैं सुन्नी हैं या शिया हैं, तो इस तरह के इंटरव्यूज में क्वेश्चन होते हैं, और फादर्स नेम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, व्हाई यू वांट टू जॉइन कतर पुलिस, तो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी इंग्लिश मैंडेटरी होती है, और जो हिंदी एंड अरेबिक है उसका प्लस पॉइंट। अगर किसी को हिंदी और उर्दू में तो इतना फर्क नहीं है, बट अगर अरेबिक है तो प्लस पॉइंट है। उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, अगर प्लस पॉइंट क्या है, अरेबिक अगर किसी को आती है, फॉर एग्जांपल सूडानीज जो पीपल हैं वो, तो अच्छा। ट्रेनिंग ऑफ कतर पुलिस, अच्छा कतर पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो 4 मंथ के लिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो अ 4 मंथ ट्रेनिंग इन कतर पुलिस अकेडमी दोहा एंड फॉर्मली पास आउट बिफोर एडमिट द पुलिस डिपार्टमेंट। ये पासिंग आउट होती है 4 महीने के बाद। ईयर ऑफ सर्विसेज, जो मतलब कि रिटायरमेंट की सर्विसेज के बाद भी पुलिस ऑफिसर विल नॉट बी रिक्रूटेड फॉर अ परमानेंट पोजीशन, मतलब परमानेंट नहीं होते, रेदर देन अ कॉन्ट्रैक्ट, उन कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, एन अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइन बिटवीन MOI एंड पुलिस ऑफिसर। ये जो बात सिंपल सी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, लेकिन उसको हर 2 साल के बाद रीन्यू किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 साल की आपका रेजिडेंस परमिट, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, इस तरह वो होता है इनका। सो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़।